गाइज वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे सिविल वर्क्स के बारे में, जिसमें हमारा पेंटिंग वर्क होगा, उसके बाद हमारा जो वार्निशिंग और इनेमल ग्लॉसी पेंट होगा, और पेंट के बारे में उसके यूजेस, उसके जो भी ड्राइंग टाइम है, कवरेज कितना करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम जो भी ब्रिक्स मैसनरी, उसका जो भी वर्किंग होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक पॉइंट है, जो भी मिक्सिंग डिज़ाइन है आपको M25 का, वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। तो वीडियो को स्किप मत करना, उसको एंडिंग तक देखना गाइस, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है आज का। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे M20 ग्रेड के बारे में। अगर आपको मालूम नहीं है मिक्सिंग डिज़ाइन और स्टैंडर्ड डिज़ाइन में क्या फ़र्क होता है स्टैंडर्ड रेशियो में, तो आप हमारी पहले वीडियोस देख सकते हो। एक्चुअली मिक्सिंग डिज़ाइन में हम स्पेसिफिकली इसको जो भी हम कंसिडर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिक्स डिज़ाइन में कंसिडर करनी होती है गाइज। और स्टैंडर्ड रेशियो में आपको कुछ नहीं, बस आपको स्टैंडर्ड एज पर आई एस कोड के रेशियोज है, वो उसके ऊपर आपको बस एज्यूम करना रहता है, वो स्टैंडर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो हमारे छोटी साइट होती तो। मगर आपको हायर स्ट्रक्चर हो तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं, मकसद बर कि आपको मिक्स डिज़ाइन के ग्रेड यूज़ करने, M25, M30, M20 के ऊपर ही होने हो गए हायर एस बिल्डिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। अगर आप नॉमिनल मिक्सिंग देखोगे या फिर हमारा स्टैंडर्ड मिक्सिंग देखोगे, तो M5, M10 ये मिक्सिंग ग्रेड है हमारी, M15, उसके बाद M20, M25। अगर इसका स्टैंडर्ड रेशियो देखा जाए तो 1:2 होगा, वो 4:8, उसके बाद 1:3:6, उसके बाद 1:2:4, उसके बाद होगा M20 के लिए हमारा 1:1.5:3, और उसके बाद M25 के लिए 1:1:2 होगा, यानी कि सीमेंट, उसके बाद सैंड, और उसके बाद हमारा एग्रीगेट, यानी कि आप ग्रेवल भी बोल सकते हो यहाँ पर। तो ये सारी हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है एज पर आई एस कोड। ओके, तो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड रेशियो में। तो ये जो हमारा M25 ग्रेड है गाइस, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की, यहाँ पर हमने कंसिडर किया हमारी जो भी हम डिज़ाइन करने वाले M25 के लैब टेस्टिंग के ऊपर डिज़ाइन किया है गाइस। मैक्सिमम एग्रीगेट साइज हम लिए है 20 mm की, पाउंड इंच की। उसके बाद वर्केबिलिटी है 0.8 वर्केबिलिटी फैक्टर, उसके बाद डिग्री ऑफ क्वालिटी गुड, टाइप ऑफ एक्सपोजर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले आई एस कोड की सीरीज के दौरान। ओके, जो भी आई एस कोड के जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स और कंडीशंस है, उसके वन बाय वन हम बिल्डिंग के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती है, हम डिस्कस करने वाले आने वाले वीडियोस में। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। तो फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कंसिडर करनी पड़ती है, जहाँ कि आप मिनिमम, तो आपके जो मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट एज पर IS 456:2000, उसके बाद हमने IS कोड यहाँ पर ये लिया है IS 10262:2019, इसके ऊपर भी हम एज पर दिस कोड हम डिज़ाइन कर सकते हो हमारा मिक्स डिज़ाइन रेशियो। एज पर लैब टेस्ट आपको ये सब कंसिडर करनी पड़ते है, इसको जो भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर जो भी सीमेंट यूज़ होता है वो आपको PPCR 43 ग्रेड OPC लेना है, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कंसीडर करना पड़ता है, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन पावर कितनी है वो भी आपको ऑन लैब टेस्ट करने पड़ता है, उसके बाद ही उसको इस्तेमाल करना पड़ता है लैब टेस्टिंग के लिए। उसके बाद आपको अगर M25 डिज़ाइन मिक्सिंग ग्रेड करना है, तो आपको उसका फ्री सरफेस मॉइस्चर यानी कि उसका जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर उसका जो कंडीशन है, सेवर, माइल्ड,
एक्सपोजर कंडीशन है उसका, उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे जो कि आईएस कोड के ऊपर होगी गाइस। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी गाइस। उसका जो फाइनाइट ग्रेड कंफर्मिंग टेबल 4 IS-8-3-3 जोन, ओके, ये थर्ड जोन में आता है गाइस, इसलिए वो कंप्रूव करने के बाद ही आपको लैब टेस्टिंग करना पड़ेगा। उसके टारगेट मेन स्ट्रेंथ देखी जाए तो इसका 25 न्यूटन पर mm² के लिए आपको मिलेगी 31.60 न्यूटन पर mm², तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगी आपको इसके ऊपर। इसमें आप देखोगे तो इसका मिनिमम जो आपका मिनिमम कंक्रीट ग्रेड है वो आ जाएगा हमारा M25 के लिए। आपका जो M25 के लिए वर्केबिलिटी हो वो आ जाएगी हमारी वर्केबिलिटी, स्लम्प रेशियो, उसके बाद जो भी हमारा सीमेंट कंटेंट है, स्लम्प रेशियो वो आ जाएगा हमारा 75 to 125 के बीच में। उसके बाद हमारा सीमेंट है, सीमेंट मिनिमम आपको होना चाहिए 300 kg एज़ पर आईएस कोड, यानी कि 6 बैग सीमेंट। आज अगर आप आरएमसी पंपिंग कंक्रीट कर रहे हो तो आपका स्लंप होना चाहिए गाइस, स्लंप लिया है, स्लंप होना चाहिए आपका 25 to 125, 75 to 125। उसके बाद जो भी हमारा सीमेंट है उसका मैक्सिमम मिनिमम आपको 6 बैग्स तो लेने हैं IS-M25 के लिए। ओके, IS-456, IS-456 2020 के हिसाब से, 456-2020 आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, इसके हिसाब से आपको ये लेने हैं गाइस, जो कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो रहेगा। और आपको ये सब लैब टेस्टिंग के बाद ही आपको ये मिक्सिंग ग्रेड मिल जाएगा गाइस। सब डिज़ाइन मिक्स के लिए अलग होता है, आपको एजेंसी जो भी आपके आरसीसी कंसल्टेंट है वहाँ से आपको ये डिज़ाइन मिल जाएगा एज अ साइट इंजीनियर। अगर इसका वाटर सीमेंट रेशियो देखेंगे गाइस तो इसका जो भी एज पर आईएस कोड है वो तो मैक्सिमम 50 तो होना चाहिए। ओके, 50 WC रेशियो होना चाहिए उसका, उसके बाद 0.50 होता है वो। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्राफ पे दिखाई देगा, यहाँ पर न्यूटन पर एम स्क्वायर में आपकी स्ट्रेंथ है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। आप अगर आप देखेंगे M25 के लिए यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं M25 इस साइड में, बीच में यहाँ पर 20-50 के आसपास होते हो। इस तरह आपको M50 के लिए आपको वाटर सीमेंट रेशियो आता है M35 के आसपास। ये ग्राफ है गाइस, ये लाइन देख रहे हो आप, ये वाली क्रॉस सेक्शन लाइन है हमारी पूरी वाटर सीमेंट रेशियो के लिए। नॉर्मली वर्किंग कंडीशन के लिए आपको M25 ग्रेड के लिए M50 लेना है, 0.50 लेना है आपको वाटर सीमेंट रेशियो। और M30 के लिए आपको लेना होगा जो कि यहाँ पर थोड़ा ऊपर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा 0.45 के आसपास, यहाँ पर इस साइड में ऐसे कनेक्ट किया तो बीच में का ये पॉइंट मिलेगा आपको, तो 0.45 के आसपास आपको वाटर सीमेंट लेना है M30 के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एज पर साइड इंजन आनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और हर एक डिज़ाइन में आपको अपना कुछ दिमाग लगाना चाहिए, कोई क्रिएटिव थिंकिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपको साइट एक्सपीरियंस आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी गाइस। आज ए फ्रेशर आपको कुछ नहीं आने वाला, आपको आईएस कोड में हर एक चीज़ मिलेगी गाइस। IS-456-2020 में आप जो नया आईएस कोड आया है उसके ऊपर पूरी क्लॉजेस में आपको मिल जाएगा हर एक चीज़, जो कि हमारा मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, उसके मैक्सिमम कौन सी कंडीशन में आए, एक्सपोजर कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, उसका वर्केबिलिटी रेशियो क्या होना चाहिए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें, वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए मैक्सिमम M25 के लिए, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आईएस कोड के सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। IS-456-2020 हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पूरा कोड,
तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। एक्चुअली गाइस, ये एक्सेल सीट है, अगर ये एक्सेल सीट आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में अपना मेल आईडी देना, आपको ये एक्सेल सीट मिल जाएगी गाइस, जो कि आपको बस यहाँ पर एंटर करनी है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, साइज ऑफ एग्रीगेट और हमारा वर्कएबिलिटी फैक्टर। आपको ये टेस्टिंग पूरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वहाँ पर मिल जाएगी, और वाटर सीमेंट रेशियो भी इसका प्रोपोर्शन में मिल जाएगा, जो कि एज़ पर IS 10-260 के हिसाब से, 262 के हिसाब से होगा वो। तो ये एक्चुअल में एक्सेल शीट चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट में अपना मेल आईडी देना, आपको एक्सेल शीट में मेल कर दूंगा गाइस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम ब्रिक्स मैसनरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। उसका जो भी मॉर्टर रेशियो है, उसके प्रोपोर्शन है, उसका जो भी क्वांटिटी है वो, और रेट एस्टिमेशन हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। इसके पहले वीडियोस में हमने सब एस्टिमेशन और क्वांटिटी सर्वे के वीडियोस बनाए गए, आप अगर आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, सर्वे RCC क्वांटिटी सर्वे, इसके ऊपर पहले वीडियोस मैंने बनाए गए, आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। RCC डिज़ाइन में आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना गाइस, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम्स हो तो सॉल्व कर सकता हूँ गाइस। अगर इसमें देखा जाए तो हम यूज़ कर सकते हैं 1:6 का हमारा रेशियो, 10 क्यूबिक मीटर के लिए वॉल्यूम है हमारा, उसमें ड्राई मोटर वॉल्यूम 3.5 क्यूबिक मीटर, उसमें सीमेंट लगेगा हमको 0.5 क्यूबिक मीटर, और सैंड है हमारी 3 क्यूबिक मीटर, यानी कि 15 नंबर्स ऑफ सीमेंट बैग्स लगने वाले हैं आपको। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए गए, तो इसमें उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि सीमेंट के रेशियो आप कैसे निकाल सकते हो 3.5 और 5 के, इसमें डिवाइडेशन आप सीमेंट और सैंड का रेशियो 1:6 किया है ना यहाँ पर। तो इसके पहले भी मैंने वीडियो में सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की है गाइस। उसके बाद सैंड है हमारी 1 ब्रास 3 क्यूबिक मीटर में, वेस्टेज के लिए उन्होंने 5% का वेस्टेज 250 ब्रिक्स आता है वो। अगर आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर तो 1 क्यूबिक मीटर में आपकी होती है 500 ब्रिक्स, ओके 500 ब्रिक्स होती है 1 क्यूबिक मीटर में, तो इस तरह आपकी 10 क्यूबिक मीटर में आ जाएगी 5000 ब्रिक्स। इसका वेस्टेज लिया उन्होंने 5%, यानी कि 500 का 5000 का 5% आता है 250, और उसका एडिशन किया तो टोटल ब्रिक्स आपको लगेगी 5250, यानी कि 5250। तो इस तरह आपको कैलकुलेशन आना चाहिए गाइस, इंडिपेंडेंटली फास्ट और इजी वे में आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, और कौन सी क्वांटिटी, कौन सी मटेरियल आपको कौन सी क्वांटिटी में लेना है, वो भी आपको मेन चीज़ है गाइस। ब्रिक वर्क, सीमेंट, सैंड, किस किस क्वांटिटी में, कलर, प्लास्टरिंग, कौन सा यूनिट होता है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा गाइस, अगर आप चाहे तो कमेंट में कमेंट करना। उसके बाद यहाँ पर है सीमेंट, सैंड और ब्रिक्स का क्वांटिटी शेड्यूल और कॉस्टिंग। यहाँ पर आपको क्वांटिटी जो भी यहाँ पर निकालिए वहाँ आ जाएगी, सीमेंट के लिए 15 बैग्स, सैंड 3 क्यूबिक मीटर और हमारे ब्रिक्स, उसको आपने रेट से मल्टीप्लाई किया, आपके लोकल एरिया में जो रेट से वहाँ से लेकर आपने वहाँ से मल्टीप्लाई किया, तो आपको पूरी कॉस्ट आ जाएगी उसकी मटेरियल की। अगर इसका एडिशन किया आपने तो वो आ जाएगा 45,000 हमारे 10 क्यूबिक मीटर के लिए वॉल के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज साइट इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो कि बेसिक नॉलेज है, हर एक सिविल इंजीनियर को आता ही है और आना ही चाहिए गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, और आने वाले वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तब तक के लिए आप चैनल को सही से सपोर्ट करो गाइज। और आपने अभी तक हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो
ज्वाइन कर लो गाइज, वहाँ पर हर एक अपडेट, वहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलेगी। अगर आप चाहे तो हमारा ब्लॉग्स भी है, हमारा ब्लॉग्स में पढ़ सकते हो, वहाँ पर पूरा कैसे डिज़ाइन होता है, हम कहाँ से M25 का मिक्स डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पर हम ब्लॉग के ऊपर हम पूरा देखेंगे। अगर आप चाहे तो ब्लॉग्स भी हमारे देख सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग के भी लिंक दिए गाइज। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू गाइज। तो गाइज मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दी है मैंने, थैंक यू। तो गाइज अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अगर आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है आपको पता नहीं है, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर जाके ये आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो गैस, जो कि बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में, और उसका ब्रोकरेज भी 0% है 20, जो कि हमारे हर एक ब्रोकर के जो रूल्स है उसके हिसाब से ये ब्रोकर है हमारा अप स्टॉक। तो आप जो आपको ऑफर भी मिलेगी गाइस, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है उसकी तरफ से, और मेरा जो VIP चैनल है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, उसको आप में आपको फ्री में ज्वाइनिंग मिलेगी गाइस। तो लेट मत करो गाइस, क्योंकि ये जो आप स्टॉक का जो डीमैट अकाउंट है ये बस आपको 10 मिनट में मिल जाएगा गाइस। तो गाइस जितना हो सके उतना जल्दी आप मेरे लिंक्स के ऊपर जाके अपना अकाउंट ओपन करो गाइस। वो गाइस आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जिसकी एंजल ब्रोकिंग है, ऑफ स्टॉक है, और जीरोधा है, और हमारा नया आया वाला फायर से, इसके ऊपर खास ऑफर्स है गाइस। अगर आप मेरे लिंक के ऊपर जाके ये अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो आपको मिलेगा गाइस हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो भी VIP ग्रुप है उसके ज्वाइन करने का एक अपॉर्चुनिटी, चांस मिलेगा गाइस, जो कि आप मिस नहीं करना चाहोगे गाइस। तो मेरे लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन करना और मुझे मैसेज करना गाइस, और मैं आपको हमारे जो भी VIP ग्रुप है उनके साथ ज्वाइन कर लूँगा गाइस, जो कि बेस्ट है आपके लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। आई हमारी हाई राइज बिल्डिंग है गाइस, जो कि पार्किंग प्लस 15 स्टोरी बिल्डिंग है हमारी। अगर इसका आपको RCC डिज़ाइन चाहिए, प्लान फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू टेरेस लेवल, अगर आपको इसका आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल प्लान देखना है एज अ स्टडी पर्पज कैसे होता है, इसका कॉलम डिटेलिंग और बीम का शेड्यूल आपको जानना है, तो आने वाले वीडियोस में उसके ऊपर बनाऊंगा गाइस। तब तक के लिए इस वीडियो को 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइस। इसका जो वर्किंग ड्राइंग है, सबमिशन ड्राइंग है, एज अ स्टडी पर्पज आपको चाहिए, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पर इस वीडियो को 100 लाइक्स आने चाहिए गाइस, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू।